एक्स सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी रिटायरी हैं बीएसएफ, सीआरपी, एसएसपी, आईटीबीपी, हमारे साथ केंद्र सरकार ने हर बार हमारे साथ एक मजाक किया है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वो एक जीरो लाइन पे, आपने दो दिन पहले भी सुना होगा आरसपुरा में जो शर्लिंग हुई है, बीएसएफ के दो जवान जख्मी हुए हैं। हर बारी पैरामिलिट्री फोर्स को लॉलीपॉप सरकार देती है। हमने हर दफ़ा रिक्वेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई। अभी हमने जो फैसला किया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पूरे हिंदुस्तान के बीच तीन तारीख को दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया के जितने भी कर्मचारी है पैरामिलिट्री फोर्सेस के, जहां वो सिविल के सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारी जो डिमांडेस हैं, पेंशन है वो देखो बहुत कम है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं सरकार ने दिया। लेकिन हम रिक्वेस्ट हर बार रिक्वेस्ट करते हैं, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, भाई 2023 दिसंबर तक हमारी डिमांड साहब ने मान ली तो वेल एंड गुड है। 2024 का जो चुनाव है उसके अंदर हमारा 5 करोड़ पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो वोट है वो कट होगा इस सरकार से। हम रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी बिल्कुल सरकार नहीं सुन रही। आपको पूरी मीडिया को पता है बॉर्डर पे क्या होता है, आरसपुरा, अखनूर, सांबा, जे श्रीनगर में सबसे आगे बीएसएफ बैठी हुई है, जीरो लैंड के अंदर सियाचिन ग्लेशियर के अंदर आईटीबीपी है, अटर्नल डिप्टी जो सीआरपी है और एसएसबी जो नेपाल बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी बीमारी है, सबसे ज़्यादा हमारी कैजुअलिटी है। लेकिन सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। हमारे होम मिनिस्टर पे अटैक हुआ वहाँ पर बंगाल के बीच इलेक्शन में, उन्होंने बोला भाई मुझे सीआरपी ने बचाया और मैं अभी पता चल गया मुझे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा। लेकिन अभी तक भाई साहब बिल्कुल कोई सोचा नहीं है। मजबूरी हमें प्रेस में आके बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके मीडिया के बंधुओं की तरफ से, भाई हमारी बात को ऊपर पजाओ, लेकिन हमारी बात को हमेशा अनदेखा किया जा रहा है। पेंशन देखो 2006 से पहले एक विडोज हैं उसकी 9000 रुपया पेंशन है, क्या वो सब इंस्पेक्टर है, क्या वो हेड कॉन्स्टेबल की बीबी है, वो सिपाही की बीबी है, 33 साल सर्विस करने के बावजूद जो बॉर्डर पे शहीद होता है उसकी मिसेज की 9000 रुपया पेंशन है, उसके बच्चे वो कहाँ से जाएंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से खाना खिलाएगी वो। मेरी मीडिया से रिक्वेस्ट है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस की पूरी जनता से रिक्वेस्ट करती है मीडिया को, इनकी बात जो सरकार के पास पहुँचाएं, जो आज तक सोई हुई है सरकार, इसने कुछ नहीं सोचा।